हेलो फ्रेंड्स, ये हलवा लग रहा है ना जानदार। देखने में जितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, खाने में उतना ही ज्यादा टेस्टी और लाजवाब है। हेल्थ बेनिफिट्स तो बहुत ही ज्यादा हैं। 4 चम्मच खाएं और हर रोग से लड़ने की क्षमता पाएं। बच्चे, बड़े, लेडीज, जेंट्स, कोई भी इसको खाएगा, सभी के लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। खाने में तो ये मिठाइयों जैसा है और काम इसका दवाइयों जैसा है, क्योंकि इस हलवे को आज हम बनाएंगे बीटरूट से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल घर की रसोई विद सुनीति सरकार में। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पास में बेल है, उसे ऑल पे कर दे ताकि जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करें वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, अब देर नहीं करते हैं और जल्दी से ये हेल्दी सा हलवा बनाना शुरू करते हैं। ये हमने लिए हैं बीटरूट, जिसे चुकंदर भी कहते हैं। ये रूट वेजिटेबल है और बहुत ही कम दामों में मिल जाता है। हमने ये 5 चुकंदर लिए हैं और इसके ऊपर का जो पार्ट है पत्ती वाला, उसको हम चाकू से पहले काट देंगे। उसके बाद चुकंदर को पीलर से या चाकू की मदद से इसे बारीक छील लेना है। और हाँ, चुकंदर को हमने काटने से पहले इसे अच्छे से धोकर साफ कर लिया था। चुकंदर बाहर से देखने में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे छील रहे हैं, इसका कितना बढ़िया सा प्यारा सा कलर निकल कर आ रहा है, गुलाबी सा। इसके फायदे तो पूछिए ही मत। हार्ट को तो बहुत ही ज्यादा मजबूत करता है और विटामिन मिनरल्स इसमें भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन B9 होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है और हाई BP को भी ये कंट्रोल करता है। इसमें मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, विटामिन सी मिलता है। और भी इसके कई फायदे हैं, इसलिए इसे हमें जरूर खाना चाहिए और अपने बच्चों को भी खिलाना चाहिए। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, चुकंदर छिलकर तैयार हो गए हैं। तो अब हम लेंगे एक कद्दूकस और मोटे वाले की तरफ से हम इसे सारे चुकंदर को घिसकर तैयार कर लेंगे। कद्दूकस करने से इसके रेशे आएंगे, तो जिस तरह से हम गाजर का हलवा खाते हैं ना, ठीक उसी तरह से इसके भी रेशे आएंगे और खाने में ये बिल्कुल गाजर का हलवा लगेगा और बिल्कुल भी आपको ये चुकंदर का टेस्ट नहीं आएगा। तो एक एक चुकंदर को लेते जाएंगे और कद्दूकस करते जाएंगे। जो छोटा टुकड़ा बचेगा, जो कद्दूकस करते हुए नहीं बनेगा, उसको छोटा टुकड़ा रख देंगे और चाकू की मदद से उसको बारीक काट लेंगे। तो ये देखिए चुकंदर का कितना बढ़िया सा कलर आया है हाथों में, देखिए बिल्कुल लग रहा है ना ब्लड जैसे लग गया हो। तो ठीक इसी तरह से ये ब्लड के रूप में काम करता है, तो इसको हमें अपने खाने में जरूर शामिल करना चाहिए। तो ये देखिए कितने बढ़िया से लच्छे तैयार हुए हैं चुकंदर के। सारे चुकंदर घिसकर हमने रेडी कर ली है। तो जो छोटे छोटे टुकड़े बच गए थे, घिसते नहीं बना था, उसको हम चाकू की मदद से बारीक काट लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड, चुकंदर एकदम रेडी है हलवा बनाने के लिए। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। इस हलवे को आज हम बनाएंगे सिर्फ 1 चम्मच घी में और बहुत ही टेस्टी गाजर के हलवे की तरह ये चुकंदर का हलवा आज हम रेडी करेंगे। तो गैस ऑन करके हमने चढ़ा दी है एक कढ़ाई और उसमें हमने डाला है थोड़ा सा खोया। इसको खोए को हम मेल्ट करेंगे, क्योंकि खोए को अगर हम हल्का सा मेल्ट कर लेते हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया लाजवाब सा ये चुकंदर का हलवा बनकर तैयार होगा। तो ये हमने खोया लिया है लगभग 100 ग्राम तक और इसको हमें सिम गैस पर हमें इसे चलाते हुए मेल्ट करना है। और जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। मावे का हमें बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं करना था, इसलिए इसे सिम गैस पर हमें हल्का सा मेल्ट करना था। तो इसे हमने निकाल लिया प्लेट में। उसी कढ़ाई में अब हम डालेंगे 1 टीस्पून देसी घी। गैस के फ्लेम को हमने सिम कर दिया है और जैसे ही घी पिघलेगा तो उसमें हमने डाली है 4-5 इलायची को कूट लिया है दरबरा सा। और इलायची को डालते ही अब हमने जो चुकंदर को घिस के रखा है उसको हम इसमें कढ़ाई में पलट देंगे। गैस की फ्लेम को हमने लो टू मीडियम कर लिया है। जैसे ही चुकंदर को कढ़ाई में पलटा है और उसके बाद इसको स्पैचुला से चलाते हुए हमें 5-6 मिनट तक इसको भूनना है। देसी घी में भूनने से इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट निकल कर आता है। चुकंदर को जैसे जैसे भूनते जाएंगे इसका पानी सूखता जाएगा और इसका पानी ही हमें रिड्यूस करना है। तो उसी समय तक, जब तक कि इसका पानी पूरी तरह से सूख नहीं जाता, तब तक हमें इसे भूनना है। ये चुकंदर का खुद का पानी होता है और ये डिपेंड करता है कि किस चुकंदर में कितना पानी होगा। काफी हद तक चुकंदर का पानी रिड्यूस हो चुका है, सूख चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1.5 गिलास दूध और इसको पकाएंगे अब दूध के साथ। जैसे ही डालेंगे चुकंदर में दूध और गैस की फ्लेम को हम कर देंगे फुल।
और फुल गैस पर चुकंदर को हमें दूध के साथ पकाना है। स्पैचुला से हमने दूध और चुकंदर को अच्छे से मिक्स कर दिया है, चला दिया है और अब हम इसको लिड से कवर कर देंगे। थोड़ी देर के लिए हमने गैस की फ्लेम को फुल कर दिया है और फुल गैस पर इसे खोल कर पकने देंगे। चुकंदर को दूध के साथ पकते हुए थोड़ी देर हो गई है, तो थोड़ी देर के बाद हमने लिड को हटा दिया है और स्पैचुला से इसको हम हर तरफ से मिलाते हुए चला देंगे। हम इसे टेस्टी बनाने के लिए मावे का यूज कर रहे हैं और तब भी हमने दूध में कोई कमी नहीं छोड़ी है। डेढ़ गिलास हमने दूध लिया है और डेढ़ गिलास दूध में हम इसे पकाएंगे। इससे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट निकल कर आएगा और मावे से और दूध से दोनों से मिलकर ये बहुत ही बढ़िया हलवा बनकर तैयार होगा। अगर आपके पास मावा नहीं है तो मावे की जगह आप इसमें 2 टेबल स्पून फ्रेश मलाई डाल सकते हैं, वो भी मावे का ही काम करेगा और बहुत ही बढ़िया ये चुकंदर का हलवा बनकर तैयार होगा। थोड़ी थोड़ी देर के बाद लिड को हटाएंगे और स्पैचुला से चुकंदर को दूध को चला देंगे और फिर से इसको लिड से कवर कर देंगे। इसी तरह से हमें दूध को रिड्यूस होने तक चुकंदर में दूध को पकाना है। इस तरह से चुकंदर को दूध में पकाने से चुकंदर बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा और बहुत ही बढ़िया एक अनोखी सी मिठाई बनकर तैयार होगी। चुकंदर का काफी हद तक दूध कम हो गया है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी हम यहाँ पर 1/2 कप ले रहे हैं, यानी 5 टेबल स्पून, और थोड़ी थोड़ी करके हमें चीनी डालना है। एक साथ चीनी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। थोड़ी थोड़ी चीनी डालने से फायदा ये होता है कि जैसे जैसे चीनी घुलती जाएगी चुकंदर का कलर और भी ज्यादा आता जाएगा। बहुत ही बढ़िया चुकंदर का कलर आ जाएगा। और तो देखिए चीनी पूरी तरह से घुल गई है, तो बाकी बची हुई चीनी भी हम इस समय पे ऐड कर देंगे। तो ये देखिए साइडों में कितना बढ़िया चुकंदर का कलर निकल कर आ रहा है और जैसे जैसे चीनी घुलती जाएगी चुकंदर का कलर और भी ज़्यादा डार्क होता जाएगा। बची हुई चीनी हमने डाल दिया है और इस स्पैचुला से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और चीनी डालने के बाद फिर से इसको पकाएंगे जब तक कि दूध पूरी तरह से रिड्यूस नहीं हो जाता है। तो फ्रेंड चुकंदर को पकते हुए दूध में काफी देर हो गया है, तो ये देखिए इसका दूध काफी हद तक रिड्यूस हो चुका है और चीनी भी पूरी तरह से घुल गई है और चुकंदर का बहुत ही बढ़िया सा कलर भी आ गया है। इसमें कोई भी कलर ऊपर से ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें खुद का चुकंदर का बहुत ही बढ़िया कलर आता है। तो फ्रेंड चुकंदर में जब बहुत ही ना के बराबर दूध बचता है तो इस समय हमें ऐड करना है मावा। थोड़ा सा मावा है वो हम इसमें ऐड करेंगे, लगभग 3 टेबल स्पून ये मावा है। हलवे में मावे को डालने के बाद स्पैचुला से इसको चला देंगे और गैस की फ्लेम को सिम रखेंगे। तो फ्रेंड चुकंदर को अपने डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। और ऐसे तो बहुत ज़्यादा चुकंदर लोग नहीं खा सकते, 1 फाकी या 2 फाकी ही खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से चुकंदर को हलवा के रूप में बना लेते हैं तो इसे खाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी और एक जितने खुराक हमारे बॉडी में जाना चाहिए चुकंदर का वो हम खा सकते हैं। हलवे में मावे को डालने के बाद लगभग 2-3 मिनट तक और इसे भूनना है और भूनने के बाद ये देखिए पूरी तरह से हलवा रेडी है। तो अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। हलवे में अब हम ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में हमने काजू और बादाम लिया है। बादाम बहुत हद तक ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, इसलिए इसे भी शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और बहुत ही हेल्दी होता है। अगर आप इसे नहीं शामिल करना चाहते हैं तो ना करें, लेकिन इसके जो दाने होते हैं, टुकड़े होते हैं, मुंह में आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, क्रंची लगते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बीटरूट का हलवा बनकर तैयार है गर्मा गर्म खाने के लिए और गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। तो फटाफट इसको सर्व करते हैं प्लेट में। बीटरूट के हलवे को हमने प्लेट में सर्व कर लिया है और आज इसे गार्निश करेंगे हम बिल्कुल केक की तरह। हलवे को हमने बिल्कुल केक की तरह राउंड शेप दे दिया है। आप चाहे तो इसे हार्ट शेप या कोई और भी शेप दे सकते हैं। तो इसे हमने बिल्कुल गोल करके बना लिया है और जो हमने मेल्ट करके खोया रखा है उसको भी हम इसी पे स्पून की मदद से स्प्रेड कर देंगे। तो बराबर से खोए को स्प्रेड करने के बाद थोड़ा सा चुकंदर का हलवा हमने बचा लिया था और उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे और उसी से हम इस हलवे को डेकोरेट करेंगे, सजाएंगे। इसी तरह से हमने खोए की भी कुछ गोलियां बनाई हैं, उसको भी इसी तरह से गोल करते हुए केक पर सजा लेंगे। आप इसे केक भी कह सकते हैं और चुकंदर का हलवा भी कह सकते हैं, और चाहे तो जो खोया हमने मेल्ट किया था वो चुकंदर के साथ मिक्स भी कर सकते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड, चुकंदर का केक या हलवा, जो भी आप कहना चाहें, ये बनकर रेडी है। तो आप इसे क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। बीटरूट के हलवे को हम
गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ, बादाम और पिस्ता के कुछ कतरन है उसके साथ हमने इसे केक को गार्निश किया है और इसे हम आज कट करेंगे बिल्कुल केक की तरह। पिस्ता और बादाम के कतरन डालने के बाद स्पैचुला से इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार इस तरह से हेल्दी केक बनाकर भी देखें, ट्राई करें और यकीन मानिए आप सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। तो ये लीजिए, हेल्दी सा केक बनकर रेडी है खाने के लिए। तो अब हम इसे केक की तरह कट भी करेंगे। बीट रूट के हलवे को 15 दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपको खाना हो इसे गर्म करके खाएं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पास में बेल से ऑल पे कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।